बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों और उसकी रहमतों का शुक्राना अदा करते हुए अपना किचन ऑफिशियल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफाज़त में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज अपने व्यूअर्स के लिए अपने किचन में बना रही हूँ जी टी टाइम स्नैक्स। तो इसमें क्या क्या मैंने लिया है, इसमें मैंने लिया है जी एक छोटा सा बॉल बॉयल की हुई मकई लिए मैंने, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ये व्हीट फ्लोर यानी गंदम का आटा लिया है। आप इसमें मैदा भी ले सकते हैं। और कुछ इसमें मैंने ये सबस लहसुन लिया है, इसमें बारीक बारीक कटिंग कर ली है। कुछ मुझे ये कलौंजी चाहिए थी, थोड़ी सी मैंने कलौंजी ली है इसमें एक अच्छा सा टच खूबसूरत सा देने के लिए। और इसमें क्या क्या इस्तेमाल करेंगे जी, और इसमें करेंगे जी एक अंडे का इस्तेमाल, कुछ पानी चाहिए और 1/3 स्पून तो मैंने पहले इसमें नमक शामिल किया है, और 1/3 स्पून इसमें हम शामिल करेंगे जी ये चिली फ्लेक्स, और 1/3 स्पून इसमें हम शामिल करेंगे ये काली मिर्च। तो अब बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल कर लेते हैं और इनको करते हैं जी अच्छे से मिक्स। अगर आपको कोई हल्की फुल्की भूख महसूस हो रही है तो इसमें आप ये फौरन बनाइए। बहुत हेल्दी किस्म के स्नैक्स हमारे रेडी होने वाले हैं। ये देखें जी, इसमें अंडा शामिल किया है, इसमें आटा शामिल किया है और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे हम। ये तकरीबन 4-5 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी शामिल किया है और इस तरह इसकी ये पोजीशन हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही हेल्दी हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है। तो फ्लेम हमने हाई करके अच्छी तरह इसको गर्म कर लिया है। अब फ्लेम कर दी है जी बिल्कुल लो ताकि हमारे स्नैक्स जो है वो जलने ना पाए। इसमें इस तरह इसको फैला देंगे। चलें जी, मज़े मज़े के हमारे स्नैक्स जो हैं वो हो गए हैं जी रेडी। और यकीन जानिए चाय के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चाय बनाएँ और गर्मा गर्म स्नैक्स जो हैं वो चाय के साथ खाएँ और हमें दें दुआएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।